हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर क्वाइट वेल एट योर होम्स एंड रिमेन सेफ फ्रॉम कोविड-19। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 3 विच इज फाइबर टू फैब्रिक। टुडे वी विल नो दैट हाउ we get fabric from fibers. The shirts we wear, the clothes we wear, from where come from? How many processes are involved in this? We will discuss on these topics. Okay? First of all, here is your book on the screen. You can look here. Your chapter is fiber to fabric. Okay? It means how we get fabric from fiber. Fibers, water fibers. Fibers are long, strong and flexible thread-like structures that are used to make fabrics. Fibers क्या होते हैं? वो लंबे, मजबूत और लचीले धागा नुमा रचना होती है, ठीक है, जिससे हम लोग फैब्रिक्स बनाते हैं। फैब्रिक्स क्या हुए हैं? तो जो भी क्लॉथिंग मटेरियल्स लाइक शर्ट, टी शर्ट, जीन्स एक्सेट्रा, मीन्स डैट वी वीयर आर कॉल्ड क्लॉथिंग fabrics and they are clothing materials. Clothing materials means materials of various cloths like t-shirts or jeans वगैरह वगैरह, ये सब जिस चीज़ से बने होते हैं उसको क्या कहते हैं? क्लॉथिंग मटेरियल्स कहते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे फाइबर्स का, ठीक है। फाइबर्स डिफरेंट बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिनेशन दे आर क्लासिफाइड इनटू फर्दर 3 पार्ट्स, ठीक है। वो 3 पार्ट्स क्या हैं वो हम लोग देखेंगे। फाइबर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, ठीक। फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर। सेकेंड इज सिंथेटिक फाइबर और मैनमेड फाइबर, ठीक है। सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर, क्लियर है। एंड थर्ड एंड लास्ट इज मिक्स फाइबर, ओके। सबसे पहले फाइबर हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनेशन जिसे हम ऑब्टेन करते हैं वो कहाँ से हमें मिलते हैं, प्रिपरेशन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ठीक है। फर्स्ट है नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या होता है? द फाइबर डेट आर ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, यानी ये जो नेचुरल फाइबर है हमें कहाँ से मिलते हैं? तो प्लांट और एनिमल से। ये हो गए प्लांट और एनिमल, ठीक है। नेचुरल फाइबर, जो फाइबर हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं वो नेचुरल फाइबर में आते हैं, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर, जो द फाइबर दैट आर मेड बाई ह्यूमन्स फ्रॉम डिफरेंट केमिकल्स इन द इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। ह्यूमन मेड या मैन मेड एक ही हुआ। तो जो फाइबर्स ह्यूमन्स के द्वारा फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है किससे? तो केमिकल से, डिफरेंट केमिकल से फाइबर तैयार किया जाता है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं हम? सिंथेटिक फाइबर्स।
अब तीसरा टॉपिक आता है मिक्स्ड फाइबर, ठीक है। तो मिक्स्ड फाइबर क्या होता है, उसमें नेचुरल फाइबर और मैनमेड फाइबर को मिक्स किया हुआ रहता है। द फाइबर्स मेड बाय ब्लेंडिंग नेचुरल फाइबर्स विथ सिंथेटिक फाइबर टू ऑब्टेन सुपेरियर एंड यूजफुल फाइबर आर कॉल्ड मिक्स फाइबर। देखिए जनरली होता क्या है कि नेचुरल फाइबर्स के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं और सिंथेटिक फाइबर के भी डिसएडवांटेजेस हैं। उनको इलिमिनेट करने के लिए क्या किया जाता है कि नेचुरल फाइबर के और मैन मेड फाइबर को क्या किया जाता है, आपस में मिक्स किया जाता है, ठीक है। और उससे क्या एक न्यू फाइबर बनाया जाता है जिसको हम लोग मिक्स्ड फाइबर में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले आते हैं यहाँ नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर का आप लोग डिफिनेशन जान चुके हैं, द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर को दो कैटेगरी में बांटा गया है, इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। फर्स्ट आता है आपका प्लांट फाइबर्स एंड सेकेंड आता है एनिमल फाइबर, ठीक है। आप इसके बारे में प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर के बारे में क्लास 6 में बेसिक जो थिंग्स है वो पढ़ेंगे और 7th में उसका एक्सप्लेनेशन जानेंगे, ठीक है। मतलब 6th में आपको ब्रीफली पढ़ना है और 7th में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जैसे कॉटन हो गए, जूट हो गए, क्वायर हो गए, हेम्प हो गए, फ्लैक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइबर फ्रॉम प्लांट। कॉटन, जूट, ये सब की खेती होती है, ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं, तो ये प्लांट फाइबर्स हो गए। ऊल, सिल्क, ऊल जो होते हैं वो हमें सीप से मिलते हैं, सिल्क जो होते हैं सिल्क वर्म से मिलते हैं। सीप और सिल्क वर्म क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, तो एनिमल से मिले हैं फाइबर को क्या कहेंगे, एनिमल फाइबर कहेंगे, ठीक है। तो ये रही बात नेचुरल फाइबर्स में कैटेगरीज की, प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स की, ठीक है। अब देखिए नेचुरल फैब्रिक किसे कहते हैं, नेचुरल फैब्रिक। द फाइबर्स मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स, द फैब्रिक मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स आर कॉल्ड नेचुरल फैब्रिक। जो फैब्रिक वैसे क्लॉथिंग मटेरियल जो नेचुरल फाइबर्स के बने रहते हैं, यानी आइदर प्लांट फाइबर्स और आइदर एनिमल फाइबर, ये दोनों में से किसी के बने रहते हैं, उससे बनाए जाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, नेचुरल फैब्रिक कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं एडवांटेजेज ऑफ नेचुरल फैब्रिक। यहाँ देखेंगे ये आपका बुक है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, जैसे द फैब्रिक मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर इज कॉल्ड नेचुरल फैब्रिक, ये जान गए। अब हम आते हैं एडवांटेजेज ऑफ नेचुरल फैब्रिक्स। जो नेचुरल फैब्रिक्स होते हैं उनको क्या क्या एडवांटेजेज हैं, तो पहला एडवांटेज ये है दीज फैब्रिक्स एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड स्वेट। ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी से ज़्यादा पसीना और पानी जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं। उससे क्या होता है कि गर्मी के दिनों में ये जैसे कॉटन जो है नेचुरल फाइबर है, उनके हम लोग फैब्रिक के नेचुरल फैब्रिक के शॉर्ट या कुछ भी पहने क्लॉथिंग मटेरियल हम लोग पहनते हैं, तो वो क्या करते हैं हमारे बॉडी से जितने भी स्वेट होते हैं पसीना होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जैसे ही हीट पड़ती है हमारे बॉडी पे, यानी कि वो जो क्लॉथिंग मटेरियल्स वो क्या करते हैं, उनके अंदर जो भी एब्जॉर्ब वाटर या स्वेट रहता है वो इवापोरेट करता है। वो इवापोरेट करता है तो हम लोग जानते हैं वी नो डैट इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, तो वो क्या हमें कूलिंग प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो गर्मी के दिन में हम लोग ठंडा महसूस करते हैं, ठीक है। चलिए सेकेंड आता है दे अलाउ एयर टू पास थ्रू देम। वो ऐसा नहीं है कि इंटरलॉक कर देते हैं हमारे बॉडी को, उसमें हवा आ जा सकता है, यानी कि अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आ जा सकता है। इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट रहता है, ठीक है।
नेक्स्ट है, दे आर बायोडिग्रेडेबल एंड डू नॉट अफेक्ट द एनवायरनमेंट। ये क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल यानी कि बायोडिग्रेडेबल किसे कहेंगे? द वेस्टेज विच आर डिकम्पोज बाई बैक्टीरिया, विच कैन बी डिकम्पोज बाई बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। ये क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इन्हें बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकती है? मिट्टी में डिकम्पोज कर सकती है, ठीक है, और ये इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये तो रही एडवांटेजेज की बात। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जिसमें एडवांटेजेज होते हैं उसमें डिसएडवांटेजेज भी होते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं नेचुरल फाइबर्स फैब्रिक्स के डिसएडवांटेजेज की। तो दे डू नॉट रिटेन देयर क्रीज फॉर लॉन्ग टाइम। उनका जो क्रीज होता है, जैसे आप नया कॉटन का शर्ट लाएं, उनमें जो क्रीज होंगे, एक वॉश के बाद क्या होगा? उसमें श्रिंक आ जाएगा, मतलब झुर्रियाँ आ जाएंगी, ठीक है, वो श्रिंक सिंक हो जाएंगे और बिना आयरन को आप पहन नहीं सकते। तो उससे क्या होता है, ज़्यादा दिन तक वो अपना क्रीज मेंटेन नहीं कर पाते हैं। दे में श्रिंक ऑन ऑर्डिनरी वॉश, मैंने आपको बताया कि वो एक ही वॉश में या ऑर्डिनरी वॉश में ही वो क्या करेंगे, श्रिंक कर देंगे। दे कैन बी इजली बी अटैक बाई मॉथ्स एंड माउल्स। वो उनमें अगर थोड़ा भी वाटर रहेगा या फिर मॉइस्चर रहेगा तो क्या होंगे कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके द्वारा अटैक किए, मतलब अटैक हो जाएंगे, उनमें फंगस टाइप स्ट्रक्चर आ जाएंगे। आप देखेंगे क्या कि गर्मी के दिनों में हम जो शर्ट पहनते हैं, पसीना उसी में सूख जाता है, तो उस पे वाइट कलर्ड एक सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, उसको क्या कहते हैं हम? फंगस कहते हैं, ठीक है, तो वो फॉर्म हो जाता है, वो भी डिसएडवांटेजेज है। दे डू नॉट ड्राई रैपिडली, ये जल्दी सूखते भी नहीं हैं, ठीक है। नेचुरल सिल्क इज वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट क्वाइट अफोर्डेबल। ये क्या होते हैं? बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत महंगे होते हैं और हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई इसे खरीद नहीं सकता, ठीक है। तो ये रहे डिसएडवांटेज नेचुरल फाइबर्स के, ठीक है। एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? तो नेचुरल फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्लांट फाइबर्स और एनिमल फाइबर्स। प्लांट फाइबर्स में एग्जाम्पल ले लें, कॉटन, जूट, कॉटन की भी खेती होती है, जूट की भी खेती होती है। एनिमल फाइबर्स ऊल और सिल्क। ऊल हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो शीप से। और सिल्क, सिल्क कहाँ से? तो सिल्क वॉर्म से, ठीक है। चलिए, अब सेकेंड टॉपिक आपका आता है ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर। द फाइबर डेट आर मेड फ्रॉम बाई ह्यूमन्स बाई यूजिंग डिफरेंट केमिकल्स इन इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर। जो ह्यूमन मेड फाइबर्स होते हैं वो किससे तैयार किया जाता है? तो बहुत सारे डिफरेंट केमिकल्स से, ठीक है। फैक्ट्रीज में क्या होता है कि बहुत सारे डिफरेंट केमिकल्स से जो फाइबर तैयार किया जाता है उसी को ह्यूमन मेड फाइबर तैयार किए फाइबर बोला जाता है, ठीक है। अब जो सिंथेटिक फाइबर से जो फैब्रिक तैयार किया जाएगा, यानी जो क्लॉथिंग मटेरियल तैयार किया जाएगा, उसी को क्या कहेंगे हम? सिंथेटिक फैब्रिक कहेंगे। अब आते हैं एडवांटेजेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। यहाँ आप देख सकते हैं एडवांटेजेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स फैब्रिक्स सॉरी सिंथेटिक क्लॉथ्स आर मोर ड्यूरेबल एंड इजी टू मेंटेन। सिंथेटिक क्लॉथ जो होते हैं वो ज़्यादा दिन तक चलते हैं, ठीक है, दैट बिकॉज दे कैन नॉट बी अटैक्ट बाई एनी टाइप ऑफ माउल्स और मॉथ्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वो ज़्यादा दिन तक चलते हैं और इजी टू मेंटेन, उनमें आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, वो अपना क्रीज मेंटेन कर सकते हैं। दे डू नॉट एब्जॉर्ब मच वाटर एंड ड्राई अप फास्ट आर रिंकल फ्री, ठीक है। वो
ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनके कैपेसिटी नहीं होती है ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने की, और जब हम वॉश करते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है, वो श्रिंकेबल नहीं होते हैं, उनमें झुर्रियाँ नहीं आती है, जिसके कारण उनको मेंटेन करने की कम ज़रूरत पड़ती है एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स। ठीक, थर्ड क्या आएगी, सिंथेटिक क्लॉथ्स आर नॉट अटैक्ट बाई माउथ और मिल, ये मैंने बता दिया, सिंथेटिक क्लॉथ जो होते हैं वो मॉथ्स और माउल्स अटैक नहीं कर सकते हैं, उन्हें कुछ नहीं कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या हुआ सिंथेटिक फैब्रिक्स के, दे डू नॉट अलाउ द एयर टू पास थ्रू देम, हेंस आर नॉट गुड फॉर समर्स। वो क्या करते हैं कि बाहर का जो हवा है उसको बाहर से अंदर नहीं आने देते हैं, जिसके कारण बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन में दिक्कत होती है और हम लोग इसे गर्मी के दिनों में नहीं पहन सकते, ठीक है। सेकेंड है, दे डू नॉट एब्जॉर्ब इट, हमारे बॉडी में जो पसीना है उसे अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ठीक है, उससे भी दिक्कत होगी, पसीना बॉडी में ही नहीं सूखनी चाहिए, उससे क्या होता है हमारे बॉडी को इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। थर्ड है, दे इजली कैच फायर, ये चूंकि पेट्रोल और केमिकल से बने रहते हैं तो वो जल्दी आग पकड़ लेता है उसमें, ठीक है। दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट डिकम्पोज इट, ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट के लिए भी हानिकारक है। ये क्या करते हैं कि जहाँ मतलब मान लीजिए कि हम किसी जगह पे इसे फेंक दिए तो वहाँ क्या करेंगे, एक लेयर बना लेंगे और वहाँ वहाँ के जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर वहाँ उसको ख़त्म कर देंगे और वहाँ से ना कोई प्लांट जर्मिनेट होगा और ना ही कोई माइक्रोब्स वहाँ सरवाइव कर सकता है, ठीक है। डू यू नो, यहाँ आपको एक टेबल मिलेगा, द केमिकल यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स फाइंड देयर वे इन वाटर बॉडीज एंड पॉल्यूट देम सो दे आर हार्मफुल फॉर इन्वायरमेंट। जो केमिकल से सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं वो वाटर बॉडीज में जाके जो भी वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए भी हानिकारक है, क्योंकि वे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मफुल केमिकल से भी तैयार किए जाते हैं। तो ये रही बात सिंथेटिक फाइबर की, एक बार आपको रिकॉल कर दूं कि सिंथेटिक फाइबर द फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट केमिकल्स इन इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, और द फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फैब्रिक्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो गया टेरिलीन, ठीक है, ये सब उसके एग्जाम्पल हो गए, पॉलिस्टर, एक्राइलिक, नाइलॉन, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब थर्ड कैटेगरी ऑफ फाइबर आता है आपका मिक्स्ड फाइबर। मिक्स्ड फाइबर क्या होता है, द फाइबर्स मेड बाय ब्लेंडिंग नेचुरल फाइबर्स विद सिंथेटिक फाइबर्स टू ऑब्टेन सुपेरियर एंड यूजफुल फाइबर्स आर कॉल्ड मिक्स्ड फाइबर। पहले मैंने आपको बताया है जो फाइबर, द फाइबर्स मेड बाय ब्लेंडिंग नेचुरल फाइबर्स विथ सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर को सिंथेटिक फाइबर के साथ अटैच करके जो फाइबर बनाया जाता है, तो ये फाइबर मिक्स क्यों किया जाता है, तो कुछ डिसएडवांटेज नेचुरल फाइबर के और कुछ डिसएडवांटेज सिंथेटिक फाइबर के एलिमिनेट करने के लिए ये दोनों फाइबर, ये फाइबर मिक्स फाइबर बनाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है इसमें नई नई एडवांटेजेज आ जाती हैं, ठीक है, उसे ही कहते हैं मिक्स्ड फाइबर, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल हुआ टेरिकॉट, यहाँ नाम से क्लियर है टेरिकॉट, यानी कि ये टेरिलीन, टेरिलीन क्या है तो सिंथेटिक फाइबर है, और प्लस कॉटन, कॉटन क्या है, एक सेकेंड, कॉटन क्या है तो नेचुरल फाइबर, ये हो गया हमारा सिंथेटिक फाइबर,
और ये हो गया हमारा नेचुरल फाइबर, ठीक है। तो नेचुरल फाइबर को सिंथेटिक फाइबर के साथ ब्लेंड करके मिक्स फाइबर बनाया जाता है, ठीक है। तो टेरिलीन या इसे टेरिकॉट कहते हैं, टेरिकॉट नाम से क्लियर है, टेरिलीन और कॉटन। टेरी सिल्क, वैसे ही टेरी सिल्क, ये किससे बने होते हैं? टेरिलीन और सिल्क से, ठीक है। टेरिलीन, ये सब आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेरिलीन और सिल्क से। यहाँ टेरिलीन क्या हुआ? सिंथेटिक फाइबर, और ये सिल्क जो है वो नेचुरल फाइबर हुआ, ठीक है। थर्ड एग्जांपल है आपका टेरी ऊल। ऊल क्या होता है? वो नेचुरल फाइबर होता है। और टेरिलीन क्या होता है आपका? सिंथेटिक फाइबर, टेरी ऊल, टेरिलीन प्लस ऊल, ठीक है। टेरिलीन और ऊल को मिला के बनते हैं, यहाँ देखेंगे। ये हो गया आपका सिंथेटिक फाइबर और ये हो गया नेचुरल फाइबर, ठीक है। इस तरह से करते बहुत सारे हैं, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम लोग कॉटन जो कि एक नेचुरल फाइबर है, नेचुरल फाइबर में भी प्लांट फाइबर है, उसके कल्टीवेशन के बारे में जानेंगे। कॉटन के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट कंडीशन होते हैं ग्रोथ के लिए, वो सब जानेंगे। कॉटन के यूजेज जानेंगे, ठीक है, और कैसे कॉटन से फैब्रिक तैयार किया जाता है वो जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, आप लोग रिवीजन कीजिए और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय रहेगा, अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, धन्यवाद।